प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे प्रिवेंट किया जाए किसे ड्रग और अल्कोहल अब्यूजिंग को, कि कोई पर्सन है अगर ड्रग्स इनटेक कर रहा है, ठीक है, या फिर वो अल्कोहल पी रहा है तो कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, ये बोल रही थी बेटा मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रही थी कि आज ये जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो प्रीवियस ईयर की लास्ट ईयर की जो सीट्स हैं वो आप घर से मींस कोचिंग से यहाँ से, ठीक है, कोचिंग से आप कलेक्ट कर लीजिएगा और आप कल कलेक्ट कर सकते हैं, परसों कलेक्ट कर सकते हैं, तो कल या परसों में आप इवनिंग में आफ्टर 5 o'clock, ठीक है, शाम को 5 बजे के बाद आकर और इस चैप्टर की अपनी जो सीट है वो कलेक्ट करके ले जाइएगा यहाँ से और अपनी कॉपी में आप उसे पेस्ट करके उसके आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि जो अभी तक आपका काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था कि मैं सीट आपको सेंड करती थी व्हाट्सएप पर, उसके बाद कितने बच्चे उसके क्वेश्चन नोट करते थे या नहीं करते थे आई डोंट नो, ठीक है, तो मैं आपको सीट पूरी हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराऊंगी, तो यहाँ से ले जाकर उसे पेस्ट करके आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, बात समझ गए। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आपका क्या होता है, ठीक है, कैसे अल्कोहल वगैरह को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है वो है टू अवॉइड अनड्यू प्रेशर, टू अवॉइड अनड्यू प्रेशर, ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन का मतलब है कोई एडोलसेंट चाइल्ड है, उस पर जो अनड्यू प्रेशर मीन्स बेकार का प्रेशर, चाहे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधारने के लिए दिया जा रहा हो या फिर उस पर प्रेशर डाला जा रहा हो किसके लिए, उसकी अच्छी गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उस पर कोई प्रेशर डाला जा रहा हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं इतनी। तो ये जो है बात आपकी कि टू अवॉइड अनड्यू प्रेशर, जो अनड्यू प्रेशर है इसे अवॉइड करने के लिए क्या, अगर उस पर जो प्रेशर है एक्स्ट्रा प्रेशर ना डाला जाए तो हो सकता है कि वो अल्कोहल वगैरह अब्यूजिंग करना स्टार्ट ही ना करे, क्योंकि अधिकतर हम लोगों की फैमिली में क्या होता है कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 90% क्रॉस कर सके या फिर अगर वो खेल रहा है तो स्पोर्ट्स में भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, लेकिन उस पर एक प्रेशर, ठीक है, पेरेंट्स का है, फैमिली का है, इसके अलावा सोसाइटी का एक प्रेशर डाला जाता है कि नहीं भाई तुझे ट्वेल्थ में इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक है, या फिर तुझे ये वाली जॉब चाहिए ही चाहिए। बच्चा खेल में अच्छा है लेकिन उस पर बेकार का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और ये प्रेशर उसे कहीं ना कहीं किसकी तरफ, नशाखोरी की तरफ ले जाता है। तो अगर चाहते हैं कि बच्चा कभी भी भटके ना तो उस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है, अनड्यू प्रेशर है, वो क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, कम से कम किया जाए, बात समझे ना। तो अवॉइड अनड्यू प्रेशर, प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर, सेकंड है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टू मेक गुड फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बना के, एक अच्छा फैमिली स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके फैमिली में आपस में ही कलेश चलता रहता है, मीन झगड़े होते रहते हैं, तो जब बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम शेयर करना करने जाते हैं तो पेरेंट्स को वहां पर आपस में ही लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पर भी क्या है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता और हो सकता है वो किसी भी प्रेशर में आके और क्या करने लगे, स्मोकिंग करने लगे या किसी भी ड्रग्स को यूज करने लगे। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक हेल्दी या गुड फैमिली स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे पेरेंट्स से कहना चाहिए कि पेरेंट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, एक हेल्दी फैमिली स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन भाई हम तो आपको ही पढ़ा सकते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर चाहते हैं कि बच्चा किस पर जाए, मींस आपका जो अल्कोहल वगैरह अब्यूजिंग स्टार्ट ना करे, नशागिरी ना करे, तो नशेबाजी ना करे, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, मींस उसकी एबिलिटी से ज्यादा करने के लिए जो उस पर प्रेशर डाला जा रहा है वो कम हो। दूसरी बात, जो फैमिली स्ट्रक्चर हो वो एक हेल्दी फैमिली स्ट्रक्चर हो, मींस वहां पर फालतू के लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह ना होते हो, ठीक है। प्रीति जी कुछ कह रही हैं, क्या कह रहे हो प्रीति? अच्छा,
चलिए। हाँ भाई, तो प्रीति बोल रही है कि मैम ऑफलाइन कर दीजिए बेटा, जैसे ही ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट का हम श्योर ऑफलाइन करेंगे। ठीक है, हम भी आपको ऑफलाइन ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी है ऑनलाइन ही है। लेकिन अगर कल आ जाता है कि आप कल से पढ़ा दीजिए ऑफलाइन, तो हम कल से ऑफलाइन पढ़ा देंगे। ये कहते हैं 10 दिन बाद ऑफलाइन पढ़ाइए, हम 10 दिन बाद ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिपेंड है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। चलिए, तो ये दो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब तीसरा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग का मतलब है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ, रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बच्चे कूड़ा कबाड़ा बीनते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एजुकेटेड नहीं है, तभी तो वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और अपने हाथ में इंट्रावेनसली इंटेक करते हैं। इससे उन्हें बहुत टाइप की डिसीज हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है या एड्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि लोगों को, जो एडोलसेंट चाइल्ड है, उन्हें एजुकेट करना है। और एजुकेट तो आप भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो एडोलसेंट चाइल्ड है उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इंसान को या फिर जो एडोलसेंट चाइल्ड है उसे गलत रास्ते पर भटकने से रोक सकते हैं। तो एजुकेशन देना है और काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब है कि अगर वो ड्रग्स या अल्कोहल को उसने इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर वो इंटेक करता है, तो अब उसे उसकी काउंसलिंग करनी है कि वो कहीं अडक्टिव तो नहीं हो गया, कहीं वो डिपेंडेंट तो नहीं हो गया। अगर वो अभी अडक्टिव नहीं है, अभी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको समझा बुझाकर और क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है नशेबाजी से। बात समझ रहे हैं। तो एक तो प्रेशर को अवॉइड करिए, बेकार का जो प्रेशर है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए जो आप प्रेशर डाल रहे हैं, पेरेंट्स जो प्रेशर डाल रहे हैं, सोसाइटी जो प्रेशर डाल रही है, उसे कम करना है। दूसरा, पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक हेल्दी फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। तीसरा है जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन मोस्ट ऑफ, ठीक है, अधिकतर एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो अडक्टिव नहीं होते। ठीक है, अडक्टिव नहीं होते, मैं अडिक्शन की बात कर रही हूँ, या फिर डिपेंडेंट नहीं होते हैं किस पर, आपके अल्कोहल पर। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है कि अभी अडिक्टिव नहीं भी नहीं है, तो उनकी काउंसलिंग से उन्हें छुड़ाया जा सकता है, क्या जो भी वो नशेबाजी कर रहे हैं उसे। ठीक है, अब इसके अलावा है फोर्थ है आपका लुकिंग फॉर डेंजरस साइन। ठीक है, लुकिंग फॉर डेंजरस साइन का मतलब है कि जो बच्चा है, एडोलसेंट चाइल्ड है, ठीक है, उसमें अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि वो पैसे चुरा लेता है। एक इसमें पहचानने का तरीका ये भी है कि बच्चा अगर घर से लगातार पैसे चुरा रहा है, तो हो सकता है उस पैसे का यूज वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल को खरीदने में कर रहा हो। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कल आपके इस लेक्चर में बताया था मैंने। तो अगर कुछ भी डेंजर साइन दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि बच्चा किसी गलत जगह पर जाके पैसे खर्च कर रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, या किसी भी टाइप की स्मोकिंग या ड्रग्स ले रहा है, तो उसे समझाइए। ठीक है, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, काउंसलिंग की, उसे काफी समझाने की कोशिश की कि भाई छोड़ दे, इससे आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो नहीं समझा। तो अब उसे क्या है, डेंजर साइन दिखाइए। डेंजर साइन दिखाने का मतलब है कि उसे बताइए कि अगर वो इसी तरीके से इंटेक करता रहा, तो उसकी बॉडी पर कितना डेंजरसली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है अगर वो तंबाकू च्यूइंग कर रहा है, टोबैको खा रहा है, तो क्या हो, उसको कैंसर हो जाए, समझ रहे हो ना। तो उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो आप कह सकते हैं ना, डर दिखा के, उसे डर दिखाइए कि अगर आप ने पीना नहीं छोड़ा तो मर जाओगे, कैसे मरोगे। ठीक है, समझ गए ना कि कैंसर हो जाएगा, आपका लिवर फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। तो डिफरेंट सिम्टम्स दिखाइए, साइन दिखाइए कि देखिए ये पर्सन है, वो इस तरीके से दारू वगैरह पीता था, देखो अब कैसे तड़प तड़प के मर रहा है, उसका लिवर खराब हो चुका है। बात समझे ना। तो इस तरीके से डेंजर साइन दिखाइए, मतलब ये है कि उसे डराइए,
आप डराना ये नहीं कि भूत बन के डराओ उसे, तो उसको क्या करना है आपको कि जो भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ड्रग्स का, अल्कोहल का बॉडी पर, उसके बारे में विस्तार से समझा दीजिए, ठीक है। इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा कि जो टोबैको वगैरह आता है ना, उसके पीछे टोबैको के जो पाउच है उसके पीछे आपका एक कैंसर का वो बना होता है, और नीचे लिखा भी होता है एक कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये क्या है, डेंजर साइन ही तो दिखा रहे हैं, और वो साइन जो पीछे कैंसर बना होता है वो कितना डेंजरस होता है, ठीक है। अगर पहली दूसरी बार देखो तो आंखें बंद हो जाती है कि कितना डेंजरस होता है वो वाला कैंसर। तो इस टाइप के भी डेंजरस साइन दिखा के बच्चे को रोका जा सकता है, किससे, अल्कोहल अब्यूजिंग से या फिर ड्रग्स को इनटेक करने से। बात समझ गए। अब इतने पर भी नहीं आपका क्या हो रहा है, वो सुधर रहा है, ठीक है। तो फाइनली उसे क्या करिए, यहाँ पर फाइनली आपको करना है मेडिटेशन, आपको नहीं उस बच्चे को मेडिटेशन कराना है, मेडिटेशन। इसके अलावा प्रॉपर एडवाइस टू साइकेट्रिस्ट, ठीक है। जो साइकेट्रिस्ट है मीन्स जो मनोवैज्ञानिक है उससे प्रॉपर एडवाइस लीजिए। और तीसरा है मे यूज रिहैबिलेशन रूल्स, मे यूज रिहैबिलेशन रूल्स। अब देखिए नहीं छुड़ा रहा है तो उसे योगा कराइए, ठीक है। क्या कराना है, योगा कराना है, मेडिटेशन कराना है, क्योंकि मेडिटेशन से उसका ध्यान जो भटक रहा है वो एक जगह पर क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो मेडिटेशन कराइए, प्रॉपर एडवाइस जो भी साइकेटिस्ट है, ठीक है, जो कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उसे किस कारण से ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी क्या प्रॉब्लम उसकी ऊपर आई कि उसने अल्कोहल इंटेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से मिलकर और उसकी उस प्रॉब्लम तक पहुंचिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर भी नहीं माना, सोचिए कितना मनाया उसे कि भाई पीना छोड़ दे, फिर भी नहीं माना। तो जो रिहैबिलेशन सेंटर के रूल है, ठीक है, रिहैबिलेशन सेंटर के जो रूल हैं उन्हें फॉलो करिए, ठीक है। मीन्स उसे धीमे धीमे जो ड्रग है एकदम ना बंद करके उसे उसका कम डोज देना स्टार्ट करिए। फिर भी ना माने तो आप क्या करिए, मार मत लगा देना, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ आइए, ठीक है। वहां पर अकेला रहेगा और साथ में जो भी डॉक्टर्स है, साइकेट्रिस्ट है, पूरी टीम उसके साथ वर्क करेगी, तो हो सकता है कि वो कम समय में ही सुधर जाए और उसने जो इनटेक करना स्टार्ट किया है अल्कोहल या किसी भी ऐसे ड्रग को जो कि उसकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है उसे इनटेक करना वो छोड़ दे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्रिवेंशन है और कंट्रोल है, जिससे किसी भी पर्सन को अल्कोहल इंटेक करने से रोका जा सकता है। अगर उसने इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है तो काउंसलिंग करा के छुड़वाया जा सकता है, या फिर वो पूरी तरीके से अडिक्टिव हो चुका है, ठीक है, अडिक्टिव हो चुका है, पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है उस ड्रग या अल्कोहल पर, तो उसे रिहैबिलिटेशन के रूल यूज करके या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ के उसे पूरी तरीके से नशा मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आपका आज का लास्ट टॉपिक कि किस तरीके से ड्रग्स और जो अल्कोहल है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी आप, ओके, ठीक है, ग्रीन से नहीं लिखूंगी, ये बताए दे रही हूं क्या लिखा है ग्रीन से, लुकिंग फॉर डेंजरस साइन। भूल जाती हूँ, मुझे ग्रीन कलर से लिखना बड़ा अच्छा सा लगता है लेकिन वो भूल जाती हूँ कि आपको दिखाई नहीं देता। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया है, इस चैप्टर की सीट आप कल कलेक्ट कर सकते हैं, परसों कलेक्ट कर सकते हैं कोचिंग से आके, और अब इसके दो चार क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है इसलिए मैंने आज लेट भी स्टार्ट किया, और आपकी छुट्टी करते हैं, ठीक है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, नया चैप्टर इसके नेक्स्ट वाला ही चैप्टर होगा या फिर इसके सबसे लास्ट वाला चैप्टर होगा। एक तो है स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो ये वाला जो इसका सेकंड चैप्टर, एक और बात सुन लीजिए आप, इसके बाद जो स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर है वो लास्ट ईयर आपके सिलेबस से हट चुका था, ठीक है। मीन्स जो सिलेबस आपका 30% रिड्यूस हुआ था उसमें वो वाला चैप्टर खत्म
खत्म हो गया था, मीन्स डिलीट कर दिया गया था। तो उसे हो सकता है, क्योंकि सुनने को ये भी आ रहा है कि आपका सिलेबस भी कुछ परसेंट इस साल भी रिड्यूस होगा, तो उसे मैं फिर से, हो सकता है वही चैप्टर जाए तो उसे फिर से आपका होल्ड अप करके थर्ड वाला चैप्टर है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटा चैप्टर है, इजिली हो जाएगा, और इसी, सबसे अच्छी बात है, जो चैप्टर हम करके आए हैं इसी चैप्टर से वो रिलेट करता है। तो माइक्रोब्स इन जो आपका ह्यूमन वेलफेयर वाला है वो हम आपका कल से स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। चलिए, कुछ बोल रहे हो? हाँ बेटा, सही बात है, आपका तो सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन कल ही न्यूज़पेपर में आया है कि हो सकता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो, ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड का तो कंफर्म है, वो रिड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कल ही कि हाँ हम रिड्यूस करेंगे। अब कितना परसेंट करेंगे वो पता नहीं, लेकिन शायद आपका भी रिड्यूस हो, इसलिए जो रिड्यूस लास्ट ईयर था उसे हम कराने का रिस्क नहीं लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कराना ही कराना है फिर आपको। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गांजा, गांजा समझते हो ना, गंजा नहीं, ठीक है। गांजा किससे ऑप्टेन किया जाता है? गांजा किससे ऑप्टेन किया जाता है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम बता दीजिए। ओहो, एग्जाम देने पड़ेंगे बेटा आपको, आप तो वैक्सीन लगवा ली है ना सौम्या, तो एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। हाँ बेटा, गांजा कौन से प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है, जल्दी से बताइए। अच्छा, आंसर आ गया, कैनबिस सैटिवा, श्वेता, रौनक, सभी आंसर दिया करो भाई। अच्छा, रौनक ने सलाइवा लिख दिया, चलो कोई नहीं। हाँ भाई, गांजा किससे ऑप्टेन किया जाता है? गांजा ऑप्टेन किया जाता है, एक प्लांट है जिसकी लीफ से और आपकी उसकी इनफ्लोरेसेंस से, और उस प्लांट का नाम है कैनबिस सैटिवा, ठीक है। पामेटली कंपाउंड ऐसी लीफ होती है, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, इसकी छोटी सी लीफ होती इतनी बड़ी, तो गांजा ऑप्टेन किया जाता है कैनबिस सैटिवा से। चलिए चलिए, सबका आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन बताइएगा, जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया एज अ फंगस, इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से क्या, कौन सी ड्रग ऑप्टेन की जाती है, जल्दी से बताइए। क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, हाँ प्रीति आपका भी आंसर सही है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से कौन सी ड्रग ऑप्टेन की जाती है? बताएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। रौनक का आंसर बिल्कुल सही है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है, जो हेल्यूसिनोजेंस हैं वो ऑप्टेन की जाती हैं, किससे, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। वेरी गुड प्रीति, रौनक, वेरी गुड बेटा आपका, सौम्या, हेल्यूसिनोजेंस बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो हेल्यूसिनोजेंस ऑप्टेन की जाती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, एट्रोपा बेलाडोना से और धतूरा अल्बा से। शायद आपको याद भी होगा, वो मैंने एक कबीरदास जी का दोहा सुनाया था, कनक कनकते सौगुनी, माँ दिखता दिखाए, जा खाए बोराए, जक बाप आए बोराए, तो वही हेल्यूसिनोजन है जिसे इनटेक करने से बोरा जाता है, मीन्स थोड़ा सा पागलपनी सी आ जाती है। धतूरा होता है ना, धतूरा खाने से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए, आप थर्ड क्वेश्चन पर आइएगा। थर्ड क्वेश्चन में आप हमें बताइए, जो ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड्स किस प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं, ओपियोइड्स किस प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं, जल्दी से बताओ। ओपियोइड्स किस प्लांट से, पॉपी प्लांट, ओपियम प्लांट, ठीक है श्वेता, श्वेता एंड रौनक, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर्ट सोमिनीफेरम। जो आपका ओपियोइड्स है वो पॉपी प्लांट या फिर आपका ओपियम प्लांट, ये इंग्लिश में कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम से ऑप्टेन किया जाता है किसे, आपका ओपियोइड्स को, जिसमें ओपियोइड से बनता क्या है, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, याद आ रहा है ना, तो ये मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, इसमें ये सब किससे आपके ऑप्टेन किया जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, स्पेशली याद रखिएगा, पॉपी प्लांट से, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, इसके जो पॉपी का जो है, इसके सीड भी बहुत सारे लोग खाने में यूज करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये सब यूजफुल है, लेकिन इनका अधिक अमाउंट में जब हम यूज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब आपकी पेन रिलीवर की तरह वर्क करते हैं,
ऐसे लोग जिन्हें कि बहुत ज्यादा हाथ पैर या कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, जैसे कि कैंसर का दर्द हो या फिर बेबी बर्थ होता है तो डिलीवरी का पेन हो, तो उस टाइम पर ये मॉर्फिन मॉर्फिन दिया जाता है उस पेशेंट को खाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, एक पेन रिलीवर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये एक अडक्टिव है। एक दिन खाया, कुछ असर नहीं हुआ, मीन्स आपका केवल दर्द सही हो गया, पेन किलर की तरह वर्क कर लिया उसने। लेकिन अगर आपने उसे लगातार 4 से 6 दिन तक खा लिया, तो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है, हैबिट बन जाएगी और आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो ये यूजफुल तो है, लेकिन मेडिसिनल पर्पज से अदर देन हम लोग क्या करने लगते हैं, इसे यूज करने लगते हैं, तो ये हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालने लगते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल आपको पता है हमारी जो क्या होती है कफ सीरप है उसमें होता है, लेकिन वो एक मेडिसिनल पर्पज से यूज किया। लेकिन अगर आप उस एल्कोहल को ज्यादा इंटेक करने लगो तो कंडीशन ये होती है कि आपको सुधारने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4th पर। 4th क्वेश्चन बताइएगा कि जो टोबैको है, टोबैको के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, टोबैको के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी से। टोबैको के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, आंसर नहीं दे रहे हो ना। टोबैको के प्लांट का साइंटिफिक नेम, ओके, रौनक का आंसर आ गया, निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। क्या है आपका, निकोटियाना टोबैकम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको प्लांट, और टोबैको प्लांट से क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है। और ये निकोटीन क्या होता है, आपकी जो ब्रेन है एक उस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, यानी कि एक नशे की तरह यूज होता है निकोटीन। और निकोटीन ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, निकोटियाना टोबैकम से, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, अच्छा ये बताइए जो आपका कोकीन है, ठीक है, कोका एल्कलॉइड्स या फिर कोकीन, आपने बहुत सुना होगा, ये अधिकतर काफी महंगा आता है, ठीक है, पार्टीज वगैरह में यूज होता है, जो हाई प्रोफाइल पार्टीज होती है ना उसमें ये वाला नशा यूज करते हैं, कौन सा आपका, कोका एल्कलॉइड्स या फिर कोकीन वाला। तो कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, ठीक है, आप सभी ने आंसर, सौम्या ने बिल्कुल सही बताया, रौनक ने बिल्कुल सही बताया, कौन सा है, इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका इज अ प्लांट बाय विच वी ऑब्टेन कोकीन, ठीक है, जो कि इंडिया का नेटिव नहीं है, ये प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछकर आपसे की छुट्टी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जो साइकेडेलिक ड्रग्स है, ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें कि हम साइकेडेलिक ड्रग्स कहते हैं, ये साइकेडेलिक ड्रग्स में कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी आती है। साइकेडेलिक ड्रग्स का मतलब है ऐसे ड्रग्स जो कि आपकी ब्रेन पर, भैया लाइट चली गई देखना, जो कि आपकी ब्रेन पर और जो क्या है सेंस ऑर्गन, इस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है।